ये समय आपके सामने आ चुका है, इसमें कोई संदेह और कोई शंका की बात नहीं। बस जो पदाधिकारी अब हम चयनित करेंगे वो अपनी जिम्मेवारी पूर्वक काम करेंगे। बहुत कम समय में जो योजना आई है वो आप तक लाने के लिए काम है। और अभी सफल जोन में जो पूरा भारत का रेलवे का नेटवर्क बना हुआ है उसके अधीन जितने माल गोदाम हैं उन सभी माल गोदामों पर छठ पूजा के बाद आपके लिए आपकी योजनाओं के लिए बहुत कम समय में हर माल गोदाम पर फिर वेरिफिकेशन का काम स्टार्ट किया जाएगा, जिससे कि ये जानकारी मिल पाए कि हमारे श्रमिकों तक अभी तक सरकार द्वारा जो योजनाएं वहां तक कहां तक पहुंचा है और कितना कम समय में उन तक हम लागू कराने का काम है। तो मैं फिर पुनः अपने विशेष कुमार और नंद कुमार जी की याद करना चाहूंगा कि आप अभिलंब इस कार्यक्रम के बाद अपने टीम के साथ अपने कार्यकाल के साथ बैठक करके और मुझे अभी जो आपके सामने इस मंच से मन संचालन का जो काम कर रहे थे मैं उनसे बहुत ही प्रभावित हूँ। और क्योंकि समय आ गया है कि हमारे संगठन के अंदर जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो मेहनती लोग हैं, जो श्रमिकों के लिए अपने समाज के लिए अपने साथ काम करने वाले श्रमिकों के लिए जो बेहतरी करने का काम करते हैं, मैं आज उनको अपने मंच के माध्यम से स्वागत करता हूँ कि आइए और संगठन का हाथ हाँ करके उसके विलंब करके जो जिम्मेवारी आपको दिया जाएगा उसको रात भी पाल करके उस काम को अपने श्रमिकों तक पहुँचाने का काम करें और उसको भविष्य प्रस्तुत करने का काम करें। मैं विशेष कुमार और नरेंद्र कुमार जी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जो कोर कमेटी आप बनाएंगे उसमें समस्त काम उसमें शामिल किया जाए। मेरा यह आग्रह है एक ऐसे व्यक्ति जो दूरगामी सोच रखते हैं, जो श्रमिकों के लिए अपने सभी कामों को छोड़कर इस मंच तक आपके लिए आपके बारे में काम करने का काम करते हुए उन्हें संगठन में हाथ कर काम किया जाएगा और जो सपना आपको उन्हें संस्थान में सिखाया गया है वो सपना आपके सामने बहुत कम समय में सकार होने से काम होगा। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भारत।